नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। 12 में सेना के कैंप पर आत्मघाती हमला, 2 आतंकियों के मारे जाने की खबर, 1 जवान शहीद। मौके पर पहुंचे सेना और बीएसएफ के आला अधिकारी। आतंकवाद के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल ना होने दे देश। सार्क सम्मेलन स्थगित होने के बाद नेपाल का बयान। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को बताया हारी हुई ताकत। भारत बना पेरिस जलवायु समझौते की पुष्टि करने वाला 62वां देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा जलवायु की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका, फ्रांस समेत कई देशों ने की सराहना। कर्नाटक विधानसभा का विशेष सत्र आज। कावेरी विवाद पर अगले कदम पर होगी चर्चा। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने राज्य को बताया पीड़ित। इथियोपिया में धार्मिक आयोजन में भगदड़, 52 की मौत, कई घायल। विपक्ष का सरकार पर हिंसा भड़काने का आरोप। जम्मू कश्मीर के बारामूला में रविवार रात आतंकवादियों ने सेना के कैंप पर आत्मघाती हमला किया। आतंकी कैंप में घुसने की फिराक में थे, जिसे बीएसएफ के जवानों ने नाकाम कर दिया। आतंकवादियों ने सुरक्षा में तैनात जवानों पर ग्रेनेड फेंके और अंधाधुंध गोलियां बरसाईं। जाबाजपुरा में मौजूद कैंप पर हुए हमले में 2 आतंकवादियों के मारे जाने की खबर है। वहीं बीएसएफ का 1 जवान शहीद हो गया है, जबकि 3 जवान बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। खबरों के मुताबिक आतंकी झेलम नदी के किनारे एक घर में छुपे हुए हैं। सेना के जवानों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है। आसपास के इलाके में तलाशी अभियान भी चलाया गया है। सेना की तरफ से की गई जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकवादियों के मारे जाने की खबर है। ये हमला रात 10:30 के करीब हुआ। जहां हमला हुआ है वो इलाका उड़ी के सैन्य मुख्यालय से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। इलाके में अभी भी गोलीबारी जारी है। गृह मंत्री और रक्षा मंत्री हालात पर नजर बनाए हुए हैं। और हमारे साथ स्थानीय पत्रकार शक्ति शर्मा जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। शक्ति, फिलहाल जानना चाहेंगे ताजा अपडेट क्या है और क्या कुछ पता लग पा रहा है। जी, ताज़ा जानकारी की अगर हम बात करें तो रात 10:30 जिस तरह से 2 गुटों में बटे हुए ये आतंकी जो सेना और बीएसएफ के कैंप पर इन्होंने हमला करना चाहा। हालांकि उड़ी हमले के बाद हमारे जवान जो है मुस्तैद थे और ये बड़ा हमला, बड़ा नुकसान जो है वो नहीं हो पाया। सेना के गेट पर इन्होंने हाथ खोले और AK-47 राइफल के साथ गोलियों की बरसात की और उसके बाद सेना के जवानों ने मुंहतोड़ इनका जवाब दिया। 2 आतंकी तो मौके पर ही ढेर हो चुके थे और उसके बाद जो है वो ये एक आतंकी जो है बीएसएफ के कैंप में दाखिल हुआ और उसके बाद उसको वहीं पर मारा गया और बीएसएफ का एक जवान घायल हुआ और एक बीएसएफ का जवान जो है वो शहीद हुआ। 3 सेना के जवान इस वक्त तक घायल हुए हैं जो हमारे पास जानकारी है। तो उसके बाद अगर हम बात करें तो रात 1:30 फायरिंग जो है वो रुक गई थी। तलाशी अभियान बीएसएफ और सेना की तरफ से, दोनों की तरफ से ज्वाइंट तलाशी अभियान जो है वो शुरू किया गया है। इस वक्त जो फायरिंग वहां पर रुकी हुई है, पूरे इलाके को सेना और बीएसएफ ने घेरा हुआ है। ये मुस्तैदी है हमारे जवानों की कि उड़ी हमले के बाद मुस्तैद थे हमारे जवान और कोई बड़ा नुकसान जो है वो करना चाहते थे आतंकी, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हुए। तलाशी अभियान इस वक्त जारी है और इस वक्त जो है पूरे इलाके में सेना और बीएसएफ के जवानों ने घेरा हुआ है और अभी तक जो फायरिंग है वो रुकी हुई है। जी बिल्कुल शक्ति, मुस्तैदी पूरी तरह से बढ़ती जा रही थी। हम जानते हैं कि सेना जो आसपास के गांव थे सीमा के पास, उन्हें भी खाली कराया गया था, सीधे कैंप को निशाना बनाया गया है। क्या ये पता लग पा रहा है जो आतंकी अभी छुपे हैं उनकी संख्या कितनी हो सकती है? जी बिल्कुल, 6 से 7 आतंकी जो है वो छुपे हुए जिन्होंने हमला किया है और 7 में से 2 आतंकी जो है वो मारे चुके हैं। अभी तक जो इनके पास जानकारी है कि 5 आतंकी जो है वो इसी इलाके के आसपास कहीं छुपे हुए हैं, जिनको इनकी तलाशी के लिए इस वक्त हमारे जवान जो है वो जुटे हुए हैं कि गोया उन जवानों को जल्द से जल्द तलाश किया जाए और चप्पा चप्पा पूरा इलाका जो है चप्पा चप्पा जो है वो छाना जा रहा है और किसी भी तरह की चूक जो है वो सेना और बीएसएफ के जवान नहीं कर रहे हैं और उनको
निकाल कर मारने की पूरी कोशिश जो है वो इनकी तरफ से बिल्कुल जारी पूरी कोशिश ये भी होगी कि किसी तरह इन आतंकियों को जिंदा पकड़ा जाए। पूरी मुस्तैदी, इलाके की घेराबंदी और अभी भी कुछ आतंकियों के छिपे होने की खबर। शक्ति शर्मा, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी को फिलहाल हम तक पहुंचाने के लिए। तो जम्मू कश्मीर के बारामूला में रविवार रात आतंकियों ने सेना के कैंप पर यह आत्मघाती हमला किया है। मैं आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा में रविवार को एक पूर्व सरपंच की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक फयाज अहमद भट्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस से जुड़े थे। कंदिजाल गाँव में घर में घुसकर अज्ञात हमलावर ने उनकी हत्या की। हालांकि अभी तक हत्या की वजह साफ नहीं हो पाई है। जुलाई में आतंकी बुरहान वानी के मुठभेड़ में मारे जाने के बाद से ही कश्मीर में तनाव है। भारतीय तटरक्षक बल ने रविवार को गुजरात के पोरबंदर में एक पाकिस्तानी नाव को पकड़ा। इस नाव पर 9 लोग सवार थे जिन्हें हिरासत में लिया गया। कोस्ट गार्ड ने इस नाव को कल सुबह करीब 10:15 जब्त किया है। आधिकारिक बयान के मुताबिक तटरक्षक के जहाज समुद्र पावक ने पाकिस्तानी नाव को जब्त किया। नाव पर सवार लोगों ने खुद को मछुआरा बताया है। फिलहाल सभी 9 लोगों से पूछताछ की जा रही है। उड़ी हमले और भारत की तरफ से किए गए सर्जिकल स्ट्राइक के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। भारत और पाकिस्तान में बढ़ते तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ किया कि भारत ने कभी दूसरे देश की जमीन पर निगाह नहीं डाली और ना ही किसी देश पर हमला किया। प्रवासी भारतीय केंद्र का उद्घाटन के मौके पर उन्होंने ये बात कही। ये भी कहा कि ब्रेन ड्रेन को ब्रेन गेन में बदला जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को दिल्ली में प्रवासी भारतीय केंद्र का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत ने कभी दूसरे देश पर हमला नहीं किया, ना ही किसी के क्षेत्र पर कब्जा करने की कोशिश की, बल्कि दूसरों के लिए हमेशा बलिदान दिए हैं। यह देश कभी जमीन का भूखा नहीं रहा है। इस देश ने कभी भी दुनिया में कहीं आक्रमण नहीं किया है, लेकिन इसके बावजूद भी किसी और के लिए 1.5 लाख से ज्यादा हमारे जवान प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में शहीद हो गए। इस दौरान प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों की हौसला अफजाई भी की। उन्होंने दुनिया भर में फैले भारतीय समुदाय को देश की बड़ी ताकत बताते हुए कहा कि ब्रेन ड्रेन को ब्रेन गेन में बदला जा सकता है। विश्व भर में फैले हुए भारतीय समुदाय को सिर्फ संख्या के रूप में नहीं, अगर शक्ति के रूप में देखें तो ये ब्रेन ड्रेन की हमारी जो चिंता थी, इसको ब्रेन गेन में कन्वर्ट किया जा सकता। प्रवासी भारतीय केंद्र के माध्यम से सरकार की कोशिश प्रवासी भारतीयों से जुड़ना है, साथ ही उन्हें सम्मान और सुविधाएं देकर देश के विकास में शामिल करना है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि सेना के जवान चंदू बाबूलाल चौहान की वापसी के लिए सरकार की कोशिशें जारी हैं। ये जवान अनजाने में सीमा पार कर पाकिस्तान की सीमा में चला गया था और इस समय पाकिस्तान की हिरासत में है। रक्षा मंत्री ने राफेल लड़ाकू विमानों के जल्द मिलने की उम्मीद भी जताई। गलती से नियंत्रण रेखा पार कर पाकिस्तानी सेना की गिरफ्त में आए भारतीय सैनिक चंदू बाबूलाल चौहान की सुरक्षित रिहाई की कोशिशें जारी हैं। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि चौहान को वापस लाने के लिए DGMO के जरिए मौजूद तंत्र को सक्रिय कर दिया गया है, हालांकि इसमें कुछ दिनों का वक्त लगेगा। 30 सितंबर को 37 राष्ट्रीय राइफल्स के जवान चौहान गलती से नियंत्रण रेखा पार कर गए थे। उसका एक स्टैंडर्ड मैकेनिज्म होता है, हम लोग ऐसे गलती से गए हुए लोगों को एक्सचेंज करते हैं या थोड़े देर में इंक्वायरी करने के बाद ये करते हैं। हम DGMO ने उसकी जो प्रोसीजर है वो DGMO लेवल पे होती है, वो एक्टिवेट कर दी। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि भारत को 3 साल से भी कम समय में फ्रांस के लड़ाकू विमान राफेल मिलने लगेंगे। As per the terms of the deal, it is 36 months, but it may come earlier slightly. Maybe we have requested them to slightly as far as possible. पिछले महीने की 23 तारीख को भारत और फ्रांस ने 59,000 करोड़ रुपए के राफेल सौदे पर हस्ताक्षर किए थे। ये विमान अत्याधुनिक मिसाइल और हथियार प्रणाली से लैस है। ब्यूरो रिपोर्ट,
राज्यसभा टीवी। नेपाल ने सार्क देशों से सुनिश्चित करने को कहा है कि आतंकी उनकी जमीन का इस्तेमाल ना करें। सार्क सम्मेलन टाले जाने पर नेपाल ने बयान जारी करके आतंकवाद के हर स्वरूप की कड़े शब्दों में निंदा की। साथ ही कहा कि सार्थक क्षेत्रीय सहयोग के लिए शांति और स्थिरता का माहौल जरूरी है। इसके साथ ही सार्क के वर्तमान अध्यक्ष नेपाल ने नवंबर में इस्लामाबाद में होने वाले सार्क शिखर सम्मेलन के स्थगन की औपचारिक घोषणा भी कर दी। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा कि वो सदस्य देशों के साथ मिलकर नई तारीख के बारे में चर्चा करेगा। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सार्क सम्मेलन स्थगित होने पर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। शेख हसीना ने कहा कि बांग्लादेश ने 1971 युद्ध अपराधियों को सजा दिए जाने पर पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन के चलते उनके देश ने सार्क सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया। शेख हसीना ने पाकिस्तान को हारी हुई ताकत करार दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से कूटनीतिक स्तर पर निपटा जाएगा। उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को लेकर भी चिंता जताई। शेख हसीना ने कहा कि दोनों देशों को युद्ध जैसी स्थिति से बचना चाहिए। साथ ही उन्होंने दोनों देशों को बातचीत के जरिए मतभेद दूर करने की सलाह दी। NIA ने देश में आतंकी हमलों की कथित साजिश रचने को लेकर केरल में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य से 21 लोगों के लापता होने के बाद से एजेंसी जांच कर रही है। इन लोगों के IS में शामिल होने की बात कही जा रही है। गिरफ्तार सभी 6 लोगों को एर्नाकुलम की विशेष NIA अदालत में आज पेश किया जाएगा। इस अभियान में NIA को केरल, दिल्ली और तेलंगाना के पुलिस अधिकारियों ने सहायता दी। केरल, दिल्ली और तेलंगाना की पुलिस के साथ NIA की टीमें संदिग्धों की गतिविधियों पर लगातार नजर रख रही हैं। भारत आधिकारिक रूप से पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते में शामिल हो गया है। गांधी जयंती के मौके पर भारत ने संयुक्त राष्ट्र में इसकी पुष्टि कर दी। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के लोगों को बधाई दी है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पेरिस जलवायु समझौते की पुष्टि कर दी है। रविवार को संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के मौके पर भारत की तरफ से हस्ताक्षर किए हुए दस्तावेज सौंपे। इससे पहले राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने पेरिस समझौते पर सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। भारत के इस कदम से समझौते के तहत तय अंतर्राष्ट्रीय कदमों को लागू करने के काम में तेजी आएगी और बढ़ते हुए वैश्विक तापमान को काबू में करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर को इसकी घोषणा की थी। फर्स्ट इट वाज अनाउंस्ड बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑन 25 सितंबर एट कोझिकोड एंड सबसीक्वेंटली कैबिनेट हैज अप्रूव्ड दैट। Honorable President of India has signed that, and now the papers and we are going to submit at UN. समझौते में शामिल होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा कि पर्यावरण की चिंता और देखभाल भारतीय मूल्य का अभिन्न हिस्सा है। जलवायु परिवर्तन को काबू में करने के लिए भारत हर संभव कदम उठाएगा। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि गांधी जी ऐसी दुनिया चाहते थे जो हमारे बच्चों के रहने के लायक हो। पेरिस समझौते में शामिल होकर नरेंद्र मोदी और भारत के लोगों ने उसी विरासत को आगे बढ़ाया है। जलवायु परिवर्तन की मुहिम में शामिल होने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून और फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने भी भारत की सराहना की है। पेरिस समझौता पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को लेकर विश्व में पहला व्यापक समझौता है। भारत से पहले 61 देश इस समझौते को अपनी मंजूरी दे चुके हैं। पेरिस समझौते में वैश्विक तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती की वैश्विक कार्य योजना तय की गई है। पिछले साल फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुए जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में 190 देशों ने इस समझौते को मंजूरी दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और खबरें जारी हैं, हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जारबाओं के पास पहुंची राज्यसभा टीवी की टीम। जारवाओं के साथ खास बातचीत। अंडमान की इस आदिम सभ्यता पर विशेष पेशकश।
अंडमान के आदिवासी जारवा जनजाति, देखिए सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। अमर्त्य सेन पहले भारतीय जिन्हें मिला अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल सम्मान। गरीबी और भूख जैसे विषयों पर सेन ने किया है उल्लेखनीय काम। लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र की उनकी अवधारणा ने दिलाई विश्वव्यापी पहचान। वर्ष 2010 में सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तियों की टाइम मैगजीन की सूची में शामिल था उनका नाम। कावेरी विवाद मामले में आज कर्नाटक विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। इस बैठक में सरकार के अगले कदम पर चर्चा की जाएगी। इससे पहले कर्नाटक पानी की कमी का हवाला देते हुए कोर्ट के आदेश के बावजूद तमिलनाडु को पानी देने से इनकार कर चुका है। वहीं मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने पानी के मामले में कर्नाटक को पीड़ित बताया है। सिद्धरमैया ने कहा कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कर्नाटक की ओर से तमिलनाडु को पानी नहीं दिए जाने की बात कही जा रही है, जिसके चलते कर्नाटक को एक खलनायक के तौर पर पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि असल में कर्नाटक राज्य खुद पीड़ित है और उसके साथ अन्याय हुआ है। ये बात उन्होंने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के मौके पर गांधी भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में कही। सिद्धरमैया ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक कावेरी बेसिन में दबाव होने के बावजूद तमिलनाडु को पानी जारी किया गया। उन्होंने कहा कि अदालत के 30 सितंबर के आदेश की वजह से कर्नाटक को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी को लेकर नया कानून 2 अक्टूबर से लागू हो गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य को शराब मुक्त बनाने को लेकर प्रतिबद्धता जताई। साथ ही ये भी कहा कि हाईकोर्ट ने शुक्रवार के आदेश का नए कानून पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। शराबबंदी पर 5 अप्रैल की अधिसूचना को पटना हाईकोर्ट ने गैर कानूनी करार दिया था। गांधी जयंती के मौके पर बिहार में शराबबंदी को लेकर नया कानून लागू हो गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार मद्य निषेध और उत्पाद कानून 2016 के लागू होने का ऐलान किया। रविवार को कैबिनेट की बैठक भी हुई, जिसमें बिहार को शराब मुक्त राज्य बनाने का संकल्प लिया गया। पहले जो लागू किया हम लोगों ने वो एक्साइज एक्ट में अमेंडमेंट करके किया, और एक्साइज एक्ट के अंतर्गत जो सरकार में शक्तियां निहित थी उसके द्वारा एक पॉलिसी बनाकर किया गया था। लेकिन यह तो अपने आप में कानून ही मद्य निषेध का है, तब यही कानून प्रभावी हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश का नए कानून पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। शराबबंदी को लेकर 5 अप्रैल को जारी अधिसूचना को पटना हाईकोर्ट ने शुक्रवार को गैर कानूनी करार दिया था, मगर सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी। 2 दिन पहले का फैसला हाईकोर्ट का, और वह भी इस एक्ट पर नहीं है, पुराने एक्ट पर है, जो एक्ट इस कानून के आज से प्रभावी होने के बाद रिपील हो चुका है। वो एक्ट अब एग्जिस्ट ही नहीं करता आज की तारीख से। तो राज्य सरकार का निर्णय है कि हम सुप्रीम कोर्ट में अपील में जाएंगे। शराबबंदी कानून को बिहार विधानमंडल ने 4 अगस्त को पारित किया और 7 सितंबर को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई। 14 सितंबर को कैबिनेट ने इसे 2 अक्टूबर से लागू करने का फैसला किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आम आदमी पार्टी से निष्कासित योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान कर दिया है। इस पार्टी का नाम स्वराज इंडिया होगा। स्वराज इंडिया पंजाब विधानसभा चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही है। सामाजिक संगठन स्वराज अभियान के संस्थापकों ने स्वराज इंडिया नाम से राजनीतिक दल का ऐलान कर दिया। इस मौके पर योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, शांति भूषण और आनंद कुमार मौजूद रहे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने योगेंद्र यादव को अध्यक्ष और अजीत झा को सचिव चुना, जबकि प्रशांत भूषण स्वराज अभियान से जुड़े रहेंगे। हम लोगों ने एक रेफरेंडम भी करा दिया स्वराज अभियान के सारे मेंबर्स में, और ये फैसला हुआ कि भाई अब हमको राजनीतिक पार्टी का गठन करना चाहिए, तब जाकर ये स्वराज इंडिया का गठन आज किया गया है। स्वराज इंडिया के नेताओं ने दावा किया कि पार्टी को आरटीआई के दायरे में रखा जाएगा। स्वराज इंडिया पंजाब विधानसभा चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही है।
डॉक्टर गांधी के नेतृत्व में जो विकल्प पंजाब में तैयार हो रहा है, हम उसके साथ हैं, उसके पीछे खड़े हैं। पिछले कुछ दिनों में काफ़ी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं पंजाब में, कई एक वैकल्पिक शक्तियाँ आई हैं। हमारी इच्छा है, हमारी आशा है कि ये सब वैकल्पिक शक्तियाँ जुड़ के पंजाब में एक प्रभावी ऑल्टरनेटिव देंगी। आम आदमी पार्टी से निकाले जाने के बाद योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण और आनंद कुमार जैसे नेताओं ने स्वराज अभियान संगठन बनाया था। इसके तहत सूखाग्रस्त इलाकों के किसानों को मदद दिलाने और अवैध शराब के खिलाफ आंदोलन चलाने की कोशिशें की गईं। राजनीतिक दल बनने के बाद भी स्वराज अभियान संगठन बरकरार रहेगा। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। कभी सूखे से पीड़ित रहा महाराष्ट्र का मराठवाड़ा इन दिनों बारिश से बेहाल है। बारिश और बाढ़ से मराठवाड़ा में हालात इस कदर बदतर हो चुके हैं कि लोगों की मदद के लिए NDRF को बुलाना पड़ा है। भारी बारिश में ही बीड, लातूर, उस्मानाबाद, परभणी, हिंगोली और नांदेड़ जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। लातूर, उस्मानाबाद, बीड़ और शोलापुर जिलों में बांध लबालब हैं। माजलगांव और मांजरा बांधों में पानी के ज़्यादा होने के कारण कुछ पानी छोड़ना पड़ा है। इससे नांदेड़, उस्मानाबाद, लातूर और बीड़ जिलों के कई इलाके पानी में डूब गए हैं। बारिश से इन जिलों में खरीफ की खड़ी फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। मध्य प्रदेश के विदिशा में कल एक बस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब बस शमशाबाद रोड के नजदीक एक पुल से गुजर रही थी। खबरों के मुताबिक हादसे के वक्त बस में 30 से 40 लोग सवार थे। बचाव दल बाकी यात्रियों की तलाश कर रहा है। राज्य सरकार ने मारे गए लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। इसके अलावा 24 घंटे के भीतर हादसे की पूरी रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। ओडिशा सरकार ने अधिकारियों को इंसेफ्लाइटिस के प्रसार पर करीबी नजर रखने और पीड़ित इलाकों में और डॉक्टरों को भेजने के निर्देश दिए हैं। इस बीमारी से मलकानगिरी जिले में 21 लोगों की जान जा चुकी है। मलकानगिरी में डॉक्टरों और विशेषज्ञों की कई टीमों को तैनात किया गया है। पीड़ित इलाकों में स्वास्थ्य सहायता बूथ खोले गए हैं। वहीं फॉगिंग का काम भी तेज कर दिया गया है। इसके अलावा पशु विभाग को सतर्क कर दिया गया है। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने संत मदर टेरेसा को दया की प्रतिमूर्ति बताया है। कोलकाता में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि वेटिकन में आधिकारिक ऐलान से पहले मदर देशवासियों की संत हो चुकी थी। संत मदर टेरेसा गरीबों की मसीहा और हर धर्म को मानने वालों को रास्ता दिखाने वाली महान शख्सियत थी। कोलकाता के इंडोर स्टेडियम में संत मदर टेरेसा को संत की उपाधि मिलने पर आयोजित कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा कि वो दया की प्रतिमूर्ति थी। मदर टेरेसा ने अपना पूरा जीवन मानवता की भलाई में लगाकर एक महान संदेश दिया। Provided dignity and respect to those who had been defeated by life. She was a messiah of the poor and a pillar of support for the weak and suffering. उपराष्ट्रपति ने कहा कि समाज के उपेक्षित लोगों के दुख दर्द को करीब से महसूस करने में मदर टेरेसा की भूमिका बेमिसाल रही। उन्होंने कहा कि मदर टेरेसा ने न सिर्फ देशवासियों को बल्कि पूरी दुनिया को इंसानियत का रास्ता दिखाया। Saint Teresa was an embodiment of compassion. She addressed the complex questions about the meaning of life by reducing it to the simple practice of alleviating the pain of others. इस मौके पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस समारोह में राज्यपाल केसरी नाथ त्रिपाठी, राज्य के मंत्री जावेद अहमद खान, सांसद डेरेक ओब्रायन के अलावा कई हस्तियां मौजूद थीं। रविंद्र सिंह श्योरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इथियोपिया में एक धार्मिक आयोजन के दौरान मची भगदड़ में 52 लोगों की मौत हो गई जबकि बड़ी तादाद में लोग हताहत हुए हैं। राजधानी अदिस अबाबा से 42 किलोमीटर दूर विशोफ्तू में धार्मिक उत्सव के दौरान अफरा तफरी के बाद ये भगदड़ मची। ओरोमिया इलाके में सरकार विरोधी प्रदर्शन पर पुलिस के आंसू गैस के गोले और रबड़ की गोलियां दागे जाने के बाद ये भगदड़ मची। नारेबाजी कर रही भीड़ मंच की ओर बढ़ी जहां धार्मिक नेता संबोधित कर रहे थे। कुछ लोगों ने पत्थर और प्लास्टिक फेंके। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और रबड़ की गोलियां भी चलाईं। लोगों ने भागने की कोशिश की।
विपक्ष ने सरकार पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाते हुए मरने वालों की तादाद 150 तक होने की आशंका जताई है। और अब बात क्रिकेट की। कोलकाता टेस्ट पर भारत ने पकड़ मजबूत कर ली है। मैच के तीसरे दिन न्यूजीलैंड की पहली पारी 204 रन पर समेटने के बाद टीम इंडिया ने दूसरी पारी में 8 विकेट पर 227 रन बना लिए हैं। भारत को पहली पारी में 112 रन की बढ़त मिली थी, इस तरह उसकी कुल बढ़त 339 रन हो गई है। दिन का खेल खत्म होने तक रिद्धिमान साहा 39 जबकि भुवनेश्वर कुमार 8 रन पर नाबाद हैं। हालांकि दूसरी पारी में भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही और महज 43 रन पर 4 विकेट गिर गए। इसके बाद रोहित शर्मा ने विराट कोहली और फिर रिद्धिमान साहा के साथ मिलकर पारी को संभाला। रोहित शर्मा ने 82 रन बनाए, विराट कोहली ने 45 रन का योगदान दिया। वहीं न्यूजीलैंड की ओर से मैट हेनरी और मिशेल सैंटन ने 3-3 विकेट लिए। तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट को 2 विकेट मिले। और अब आखिर में हेडलाइंस। बारामूला में सेना के कैंप पर आत्मघाती हमला, 2 आतंकी ढेर, 1 जवान शहीद। गृहमंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने की हालात की समीक्षा। आतंकवाद के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल ना होने दें देश, सार्क सम्मेलन स्थगित होने के बाद नेपाल का बयान। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को बताया हारी हुई ताकत। भारत बना पेरिस जलवायु समझौते की पुष्टि करने वाला 62वां देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा जलवायु की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका फ्रांस समेत कई देशों ने की सराहना। कर्नाटक विधानसभा का विशेष सत्र आज। कावेरी विवाद पर अगले कदम पर होगी चर्चा। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने राज्य को बताया पीड़ित। और इथोपिया में धार्मिक आयोजन में भगदड़, 52 की मौत, कई घायल। विपक्ष का सरकार पर हिंसा भड़काने का आरोप। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे आप देख सकते हैं मीडिया मंथन। नमस्कार।